बुद्धिमान मंत्री एक बार की बात है, एक रियासत के मंत्री ने राजा को अपने बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा, तो मंत्री उन्हें सम्मान पूर्वक विशिष्ट स्थान पर बैठाने ले गए, तो मंत्री यह देखकर बहुत लज्जित हुआ कि एक सफाई कर्मी वहां बैठा हुआ था। उसने सफाई कर्मी को सबके सामने उठा फेंका और उसे बहुत डांटा। सफाई कर्मी ने अपमानित महसूस किया और बदला लेने की उपाय बनाने लगा। अगले दिन सुबह जब वह राजा का कट साफ कर रहा था, तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया, राजा किस कितने नादान हैं, उन्हें यह पता ही नहीं कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधे नींद में था, यह क्या बकवास कर रहे हो, उसने पूछा। महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था, सफाई कर्मी जवाब में बोला। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीज पड़ गए थे। राजा तब मंत्री के चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमानित करने लगा। एक दिन तो उसने द्वारपाल से यह कथक कह दिया कि वह मंत्री को महल में घुसने ही न दे। मंत्री राजा के व्यवहार से बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि सफाई कर्मी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का उसने बदला लिया है, अब मुझे उसे दोबारा प्रसन्न करना होगा, तभी वह राजा की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है। मंत्री ने सोचा, एक दिन उसे सफाई कर्मी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझे गलती का एहसास हो गया है, इन सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में ग्रहण करो, चलो मेरे साथ भोजन करो, सफाई कर्मी पसंद हो गया। वह सोचने लगा, मंत्री तो अच्छा आदमी है, मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी। अब सफाई कर्मी पसंद था और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा की धारण बदल जाए। एक बार जब राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहा था। वह बड़बड़ाने लगा, अरे राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है। बड़ी लज्जा की बात है, राजा ने उसका बड़बड़ाना सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाई कर्मी को बहुत डांटा। सफाई कर्मी बोला, क्षमा कर दे महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए दिन में ही नींद में बड़बड़ा रहा था। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर उसने अपने बहुत अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी थी। राजा ने मंत्री को बुलाया और दोनों फिर से मित्र बन गए।